हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंट मेथड इन लिस्ट के बारे में कि काउंट मेथड का लिस्ट के अंदर क्या रोल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो गाइस यार मैं याद दिलाऊं, ये हमारे पाइथन कोर्स का 70 ट्यूटोरियल है और यहाँ पर आपको हमारे चैनल में आप प्ले लिस्ट मिल जाएगी कम्प्लीट पाइथन ट्यूटोरियल्स इन हिंदी 2021 के नाम से। यहाँ पर इस टाइम 71 वीडियोज़ हैं। अगर आपने ये विजिट नहीं किया है तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, इसमें सारी वीडियो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, चेकआउट करना चाहो तो। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ अब बात करेंगे काउंट मेथड की। तो काउंट मेथड किस तरह वर्क करता है ये देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हमें सबसे पहले लिस्ट चाहिए क्योंकि हम लिस्ट के साथ वर्क करने वाले हैं। स्टूडेंट्स नाम की एक लिस्ट लेते हैं जिसके अंदर हम कुछ स्टूडेंट्स लेते हैं। निशांत, पीयूष, शुभम, अमन। तो यहां पर मैंने 4 स्टूडेंट्स ले लिए हैं एज अ एग्जाम्पल। तो यहां क्या करेंगे, देखो काउंट का किस तरह रोल होगा। तो काउंट का रोल के लिए हम सिंपल यहां क्या रखेंगे, स्टूडेंट्स डॉट काउंट और इस पैरेंथेसिस के अंदर इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम एक वैल्यू लिखेंगे, मतलब एक स्ट्रिंग लिखेंगे जिसे हम सर्च करना चाहते हैं कि लिस्ट के अंदर वो कितनी बार आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ पीयूष या फिर निशांत या फिर शुभम या फिर अमन, तो इसका काउंट आएगा 1 क्योंकि सारी वैल्यूज एक एक बार है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूँ, पीयूष लिख दिया, और गाइज अगर मैं ऐसे अब रन करूँ तो मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कोई चीज़ रिटर्न कर रहा है और रिटर्न करी हुई वैल्यू को हमें प्रिंट करने के लिए यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होता है। तो लगा देते हैं एक प्रिंट स्टेटमेंट, रन किया तो रन करने पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आंसर होगा 1 क्योंकि यहाँ पर पीयूष सिर्फ एक बार है। उसके अलावा अगर मैं कोई ऐसा स्ट्रिंग ले लूँ जो इसमें है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर पीयूष कर कुछ भी कर दूँ तो ऐसा कोई स्ट्रिंग थोड़ी नहीं है। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 0। कई बार ये चीज़ बहुत अच्छे यूज में आ सकती है, जैसे कि हमें फाइंड करना हो कि हमारे क्लास में निशांत नाम के कितने बच्चे हैं, पीयूष नाम के कितने बच्चे हैं, राम नाम के कितने बच्चे हैं, सीता नाम के कितने बच्चे हैं, तो एक पर्टिकुलर नेम के कितने बच्चे हैं, तो वहाँ इसका अच्छा यूज़ हो सकता है। बाकी तो इसके अलग अलग प्रोग्राम से अलग अलग यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर मैं यहाँ पर पीयूष की गिनती एक और बढ़ा दूँ, ठीक है, जरूरी नहीं है पीयूष आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर अब भी 0 दिखाएगा क्योंकि मैंने नीचे चेंज नहीं करा। हाँ, तो हम यहाँ फाइंड करना चाहते हैं पीयूष को, रन किया तो रन करने पे यहाँ पर आउटपुट मिलेगा आपको 2 मिल गया। उसी तरह कुछ चीजें होती है काउंटेबल, कुछ होती है अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल कंडीशन में भी ये हमारा अच्छे से काम करेगा क्योंकि ये हमारी मशीन है और मशीन अच्छे से काम करती है हमेशा। कितनी बार है हमने ये गिना ही नहीं, हमने कितनी बार पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अगर अब इसे रन करें तो अभी पीयूष की एग्जैक्ट काउंट हमें दे देगा। 33 टाइम्स हमारा पीयूष लिखा हुआ है क्योंकि हमने कई बार लगातार हमने पेस्ट कर दिया है। तो गाइज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि काउंट का क्या यूज होता है हमारे स्ट्रिंग के अंदर। आई होप गाइज कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से उसे लाइक कर दो। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।